सादिक खान की रिपोर्ट। दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में दतिया भिंड लोकसभा सीट की मतगणना कल यानी 23 मई को होगी। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए सुरक्षा प्रबंधों व व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना स्थल में वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिसके पास जारी हुए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी जो अनवरत रूप से समाप्त होने तक चलेगी। दतिया जिले की मतगणना 3 कक्षों में होगी। प्रत्येक विधानसभा के मतों की अलग अलग कक्षों में गिनती होगी। प्रत्येक राउंड में 18 टेबल होगी। कई चरणों में होने वाली मतगणना के बाद अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक राउंड के बाद भी गिने हुए मतों की घोषणा जिला प्रशासन करता रहेगा। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। और भांडेर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के 16 राउंड होंगे। इन राउंडों की पूर्ति के पश्चात 5 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 वीवीपैट की जो उनकी वोटर स्लिप रहती है उसकी भी गणना की जाएगी। उसके लिए उस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना समाप्ति के पश्चात लॉटरी निकाल के उसी समय उनका चिन्हांकन किया जाएगा। मेन गेट से अंदर आने के लिए आप सभी को आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं और आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से आपका एंट्री होगा और फिर आपका जो काउंटिंग सेंटर के अंदर मेन गेट के अंदर जाने से पहले एक बार फिर आपको चेक किया जाएगा और जो मेन काउंटिंग हॉल के अंदर जाते समय तीसरा लेवल पे होगा और पूरा जो काउंटिंग सेंटर जो बैलेट बॉक्सेस ये सब एक हमारा CAPF का एक DSP स्तर के अधिकारी प्रभारी और बाकी लेवल्स के तीनों लेवल्स में बाहरी व्यवस्था के लिए 4 अन्य DSP स्तर के अधिकारी रहेंगे और लगभग 600 प्लस के आदमी रहेंगे पुलिस की तरफ से और पूरा इस व्यवस्था का कंप्लीट इसको देखभाल करते रहेंगे।